हेलो दोस्तों दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। क्या हम डिप्लोमा का कोई कोर्स करें या डिग्री करें, या फिर हम ग्रेजुएशन करें, या फिर हम सीधा नौकरी की तैयारी करें। तुम ट्वेल्थ के बाद में क्या करें, ये एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे किसी की बातों में आके या किसी के कहने पर गलत कोर्स कर लेते हैं, एक ऐसा कोर्स करते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और जिसकी वजह से उनकी पूरी साल बर्बाद होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करनी चाहिए, या फिर आपको सीधा ग्रेजुएशन करना चाहिए, या फिर आप सीधा नौकरी की तैयारी करें। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इन सभी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा भी कि कौन सा कोर्स कौन से बच्चे कर सकते हैं, PCM वाले कौन सा कोर्स करें और PCB वाले कौन सा कोर्स करें। तो इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अब आप ट्वेल्थ के बाद जो भी कोर्स करोगे वही आपकी पहचान और वही आपका भविष्य तय करेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्लोमा, डिग्री और ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, स्किप तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PCM वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ मैथ से की है। तो इनके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा के कोर्स के लिए। दोस्तों हर साल पॉलिटेक्निक के फॉर्म निकलते हैं, आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हो और इसके फॉर्म अभी चल भी रहे हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके उस फॉर्म को भर सकते हो और उसमें आप लोग देख सकते हो कि आपके उसमें कौन कौन सी ट्रेड दे गई हैं। तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भरें। डिप्लोमा के कोर्स के लिए आप ये जो कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग इसके अलावा ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। आप PCM से अगर हो तो आप मैथ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, BSc जो होता कोर्स उसे कर सकते हो। इसके अलावा आप BA भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप JEE Main का फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी PCM वाले बच्चों के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, डिप्लोमा का कोर्स और जो डिग्री का जो कोर्स होता है, डिग्री में आप BTech भी कर सकते हो। दोस्तों ये जो आपके डिग्री के जो कोर्स होते हैं इनमें आपका खर्चा बहुत आता है। और नंबर दो, ये जो कोर्स होते हैं ये 4 साल के होते हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के इन कोर्सेज को करें। जबकि जो डिप्लोमा जो होता है वो आपका 2 से 3 साल का हो सकता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको ग्रेजुएशन बताई थी वो 3 साल की होती है, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन जो होती है वो आपका लगभग 10,000 रुपये पर ईयर में हो जाता है, ठीक है। 3 साल का होता है तो लगभग आपका 30,000 का खर्चा आता है और इसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो PCB वाले जो बच्चे हैं, यानी जिन्होंने ट्वेल्थ जो है वो बायोलॉजी से पास किया है। तो वो बच्चे जो होते हैं उनके लिए डिप्लोमा में आप फार्मेसी का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसमें आप D Pharm और B Pharm इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। इसमें आपको जो D Pharm जो होता है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है और जो आपका B Pharm जो कोर्स होता है वो आपका 4 साल का कोर्स होता है। और इसमें जो आपकी फ़ीस जो रहती है वो 1 लाख रुपये पर ईयर रहती है। तो इसीलिए आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा महंगा कोर्स होते हैं। इसके बाद में आप इसके अलावा अगर आप नर्सिंग से कोर्स करते हो, नर्सिंग में आप ANM कर सकते हो, आप GNM कर सकते हो, या फिर आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नर्सिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप नर्सिंग के कोर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा आप पैथोलॉजी कोर्सेज भी कर सकते हो, आप DMLT BMLT भी कर सकते हो। इनमें भी जो आपकी फ़ीस होती है वो 1 लाख रुपये पर ईयर में जाती है। तो यह तो बात थी डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि बायोलॉजी जो लेते हैं बच्चे ज़्यादातर वो डॉक्टर बनने के लिए ही लेते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है, वो होता है नीट का एग्ज़ाम। अगर आप नीट का एग्ज़ाम अगर आप पास करके अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आप MBBS कोर्स करके भी डॉक्टर बन सकते हो। तो ये जो आपके नीट के फॉर्म हैं वो हर साल निकलते हैं और अभी उनके जो फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग उसकी पूरी डिटेल्स जान सकते हो।
और आपको बता दूँ ये जो कोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े कोर्स होते हैं, इन्हें करने में आपको 5 से 6 साल का समय लग सकता है, तब जाके आप एक MBBS डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन में आप बायोलॉजी से आप BSc भी कर सकते हो या फिर आप BA भी कर सकते हो, और इन कोर्सेज को करने में आपको लगभग 10,000 रुपये के आसपास पर ईयर का खर्चा आ जाता है। तो ये जो कोर्स हैं ये PCM और PCB जो वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए था। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते हो और आप सीधा अगर आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ 12th पास जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी जो वैकेंसी होती है वो निकलती भी रहती हैं, आपकी रेलवे में निकलती रहती हैं, पुलिस में निकलती रहती हैं, आपकी NDA में जो वैकेंसी होती हैं वो निकलती रहती हैं, आप एयरफोर्स में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो 12th करने के बाद में काफ़ी सारी वैकेंसी होती हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात थी आपके कोर्सेज़ के बारे में, इनमें से आपको जो भी आपको कोर्सेज अच्छा लगता हो या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो कोर्स आप कर सकते हो। आप लोग एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना लेकिन कि आप उसी कोर्सेज को सिलेक्ट करें जिस कोर्सेज को आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप अच्छी फैमिली से हो तो आप MBBS के लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्सेज में आपको टाइम बहुत लगता है, और अगर आप पुअर फैमिली से हो तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप जो भी कोर्स करो बड़े सोच समझ के करना है। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप ग्रेजुएशन करें और नौकरी की तैयारी करें, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करें हर कोर्स को करने के बाद में हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि एक नौकरी मिल जाए। इसके अलावा आपको जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, और यदि आप चाहते हो कि हम स्पेशली किसी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में बताएं तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आपको स्पेशली उस कोर्स के बारे में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।